बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम, मैं हूं तारिक महमूद। हमें सही गिनोगे नहीं तो तोलना पड़ेगा, ये कहते थे एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी, और आज वक्त ने उनकी बात को दुरुस्त साबित किया। वही एमक्यूएम जो एक जमाने में दो दर्जन से ज़ायद नशिस्तें रखती थी, तो तब भी हुकूमतें जो है वो एमक्यूएम के जोर पर बनती थी, मगर जब उसके मैंडेट को 7 नशिस्तों तक महदूद कर दिया गया तो भी हुकूमत बनाने के लिए एमक्यूएम की जरूरत पड़ी, और आज जब हुकूमत गिरानी थी तो भी जो फैसला कुन फैसला था वो एमक्यूएम का था। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। डॉक्टर साहब, ये क्या है, इसे कुदरत का निज़ाम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, आपने सोचा कि ये क्या चीज़ है कि हर चीज जिनको कॉर्नर करने की कोशिश की वो फिर सब चीजें आपकी झोली में आके? जी, भी एहतियात से काम लेना चाहिए, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये कोई फतवा नहीं है, सच्चाई की अपनी एक ताकत है। अब कराची में जो नतीजे आए हैं उसके बाद जो लोग जीत गए उनको अभी तक एतबार नहीं आया है कि वो जीत गए, वो अभी तक हैरान है, और जिन्होंने जितवाया, चाहे वोट डाल के जितवाया हो या मनसूबा बना के जितवाया, वो सब परेशान है, और ये परेशानी इस साल बहुत ज्यादा आया हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है, और आज आपने देखा होगा मैंने आज जो ऐलान किया उसके साथ भी कहा था, हम तवक्को ये रखते हैं कि अब गाली गलोच की सियासत, इंतकाम की सियासत, एक दूसरे को नीचे दिखाने की सियासत, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन करार देने की सियासत का खात्मा किया जा सके, और एक ऐसा माहौल बनाया जा सके कि वो आम लोग जो कि मसाइल का शिकार है, जिनके लिए कानून बनाने के लिए असेंबली तख्लीक की गई हैं, वो आके जब तक बताएंगे नहीं कि उनके साथ हालात क्या हैं, उनके लिए एक हारी के लिए कानून एक जागीरदार क्यों बनाएगा? लेकिन आपके अवानों में तो वही बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, और ये बहुत अच्छा भी हुआ हमारे हक में कि ये PTI के नाम से ये ऑप्शन भी एग्जॉस्ट कर गया। बहुत दिन से सुन रहे थे PTI आने वाली आ भी गई। अगर जेन्युइनली आती ना तो शायद सिंध के ना एमक्यूएम का नुकसान की कोई अहमियत नहीं है, सिंध के शहरी इलाके जेन्युइनली अपने लिए हमसे बेहतर लोग चुन लेते तो भी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी बेहतर होता। एक्सपोज हो गए वो आके, उन्होंने जो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए। मुझे तो लगता है कि ये किसी आखिरी वक्त या आखिरी दिन या आखिरी रात का फैसला था, कि डर यह था कि पंजाब पता नहीं किस तरह नवाज शरीफ साहब के जेल में आने के बाद रिएक्ट करेगा, तो उन्होंने सोचा इन यतीमों की सीटें तो पहले 12-14 ले ली जाए। तो बहरहाल हमें तो इस वक्त बड़े मोहतात अंदाज में बात करनी चाहिए, अल्लाह के खौफ को सामने रखना चाहिए, और पोजीशन में बैठेंगे या हुकूमत में होंगे सबके लिए दुआएं करना ही पाकिस्तान के हक में बेहतर है। तो सब ये अब जो मुआहदा हुआ, ज़रा इसकी तफसील के ये है क्या, ये जॉइंट अपोजिशन के साथ एमक्यूएम ने एग्रीमेंट किया है, पीपल्स पार्टी के साथ कोई अलहदा डॉक्यूमेंट है, तो दोनों को ज़रा अगर अलहदा बता दें कि जॉइंट अपोजिशन के साथ आपका जो मामला है वो क्या है पहले? देखिए, एक तो ये अभी जो अदम एतमाद है ये तो वफाक में हुई एक वज़ीर आज़म, ठीक, तो जो भी वज़ीर आज़म मुमकिन तौर पर हो सकता है तो उस टीम के साथ हुई, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो फ्रंट पे लीड कर रही है और बाकी अपोजिशन की जमातें भी हैं। एक मुआहदा तो उनके साथ हुआ है कि पाकिस्तान को कैसा होना है और पाकिस्तान की मईशत को कैसा होना है। जब पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने की बात आएगी तो वो शहर जो माशी शहरग है उसको बेहतर करने की बात भी आएगी। तो इसमें हमारे ही नहीं, हमारे बराह रास्त डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी मुतालबे हैं वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, चाहे हम कराची और सिंध की शहरी इलाकों के हवाले से बोलें या ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत को बेहतर करने की बात करें। कराची चलेगा, कराची को बेहतर करेंगे तो जो रेवेन्यू आप कलेक्ट करते हैं उसमें और इजाफा हो जाएगा। देखिए, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि एक बहुत बड़ा लाहौर है, खुशहाल लाहौर है और उसने तरक्की की है, उसकी कुव्वत खरीद भी बढ़ी है बहुत, वो पूरा लाहौर मिलकर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लियाकताबाद है जो लोअर मिडिल क्लास की बस्ती है वहाँ के दुकानदार और वहाँ के दुकानदारों का जो रेवेन्यू है बराबर है, ठीक। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्पेस भी बची हुई है और पॉलिटिकल स्पेस भी बची हुई है। लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्पेस ख़त्म हो गई, तो एक मुआहदा तो उनके साथ हुआ है। दूसरा, हम गुज़श्ता कई साल से कराची में रैलियाँ निकाल रहे हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। हम पिछले दिनों वज़ीर आला हाउस पर गए थे, कब्ज़ा करने तो नहीं गए थे, ठीक,
एक मुतालबात की फहरिस्त थी, याददाश्त थी जो लेके गए थे, और ये इसलिए गए थे कि उन मुतालबात को सुनवाया जा सके और मनवाया जा सके। तो वो नहीं आए बाहर, उन्होंने डंडे बरदार भेज दिए। अब अगर आप जो दो साल से तीन साल से अपने माओ बहनों ने भी हमारे डंडे खाए, बच्चे भी जो गोद में थे वो भी उनको भी नुकसान पहुंचा, इसीलिए था ना कि वो सुने। जब वो सुनने पर पीपुल्स पार्टी की हाईएस्ट जो लीडरशिप थी जब सुनने पे आबादा हुई तो हम उनके पास गए। अल्टीमेट रिजल्ट तो ये है कि आपका मसला हल होना चाहिए। अच्छा, सुना भी है और हमारे उन मुतालबों को माना भी है। वो मुतालबों को मानकर उन्होंने क्या इकरार किया दरअसल कि हाँ ये ज्यादतियां आपके साथ हो रही हैं, जब भी तो वो मुतालबे की शक्ल बनी है। ठीक, तो यही बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की कौमी क़यादत ने सिंध के शहरी इलाकों से होने वाली नाइंसाफियों उसका इदराक किया, जो ज्यादतियों उनको कबूल किया और उसको एड्रेस करने का फैसला किया। तो हम हुकूमत में रहें या ना रहें, ये कल एक अहम दस्तावेज़ है जो सिंध के शहरी इलाकों के हुकूक का तायुन कर रही है। अब एक कराची का आम शहरी वोटर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई हुकूमती और इख्तदार का मुआहदा तो नहीं हुआ है ना, खुद बिलावल भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि ये अदम एतमाद से अलग हटके एक चीज़ है। हम एक वर्किंग रिलेशन बना रहे हैं और को एग्जिस्टेंस का एक फार्मूला तय कर रहा है, दोनों मिलकर रह सकें, दोनों एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे की शनाख्त की को तस्लीम करें, एक दूसरे के हुकूक को तस्लीम करें और एक दूसरे को रास्ता दें। ये जो आपने बात की, ये बात कही जा रही है, आज राणा सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, बिलावल साहब ने भी की, पीपल्स पार्टी की, ये थोड़ा हजम नहीं होती पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए कि ना आप वजारत मांग रहे हैं, ना आप हिस्से मांग रहे हैं, ना कोई और चीज मांग रहे हैं। कहते हैं जी एमक्यूएम ने वजारत भी नहीं मांगी, कोई चीज भी नहीं मांगी। तो ये चेंज है क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ कि मतलब इतना ज्यादा इशू स्पेसिफिक आपकी चीजें थी और उस तरफ नहीं थी कि जी दो बड़ी ये बेहतर होती हुई एमक्यूएम को तो सबको देखना चाहिए गौर से। दूसरी बात है कि ये भी तो काबिल कोई कबूल की जाने वाली बात या तस्लीम करने वाली बात नहीं होगी अगर मैं ये बोलूं कि मैं चौथी दफा कौमी असेंबली का मेंबर हूं और मैंने 10 रुपए भी खर्च नहीं किए अपने इलेक्शन के लिए। ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया में भी कहीं तो मानी नहीं जाएगी बात, लेकिन ऐसा है। पाकिस्तान को एमकेएम की शक्ल में एक मौका मिला है। अरे हमें नहीं ज्वाइन करें, हमें ना कामयाब करें, हमारी तर्ज सियासत को आज नहीं तो कल पंजाब का नौजवान भी गले लगाएगा। मैं भी लाहौर गया था तो मैंने कहा ये तो भाई ताकत का और इख्तदार का गढ़ है, मनबा है, तो क्या ये इख्तदार और ताकत और इख्तियार क्या लाहौर के एक नौजवान के पास भी है? क्या धर्मपुरा का एक लड़का फर्स्ट पोजीशन लाने वाला कल सोचे कि मैं भी इलेक्शन में खड़ा होता हूँ, मैं इस बाकी तमाम उम्मीदवार से बेहतर हूँ, तो क्या उसके लिए कोई गुंजाइश छोड़ी है? पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ ने, निज़ाम मईशत ने, निज़ाम सियासत ने नहीं छोड़ी है। लेकिन क्या ये नामुमकिनात में से है? ऐसा नहीं है, हमने अपने इलाकों में करके दिखा दिया है। पाकिस्तान के ऐवान में आज भी एक छोटा सा टुकड़ा है जहाँ एमकेएम बैठती है, जहाँ पे बुनियादी जमहूरियत, रियल जमहूरियत, शराकती शमूलियत, शमूलियती जमहूरियत मौजूद है। तो किसी को फैलाने की बात ना नून से कहा कि हमें कोई फेडरल मिनिस्ट्री चाहिए, ना पीपल्स पार्टी से कहा कि हम सिंध हुकूमत का हिस्सा मान। अच्छा, हमारे पहले भी मेरे इतनी बड़ा इंसिस्ट कर रहा था मैं कि जब ये पिछली हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुआहदा हो रहा था कि वजारत ना लें, तो क्योंकि आपको खुद पता है मैं बड़ी लंबी जिला वतनी रही है, मेरा एग्जाइल रहा है, तो लोगों ने अपने तजर्बे शेयर किए कि पहले भी एक दो दफ़ा हमने ऐसा नहीं किया है तो हमें वज़ीर आज़म ही नहीं मिलता है, तो किसी न किसी का कैबिनेट में होना ज़रूरी है। ऐसी कोई गुंजाइश होगी तो कभी सोचेंगे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कौमी कायदीन के साथ हमारी क़यादत का डायरेक्ट रबता होगा तो फिर उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ज़रूरत नहीं है, किसी को हमारी जरूरत हुई इस हवाले से तो वो बताए, फिर हम सोचेंगे। एमकेएम को ना एमकेएम किसी वजारत की ख्वाहिशमंद है, ना एमकेएम ने मुतालबा रखा किसी तरह का। लेकिन देखिए इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत के हिस्से में बहुत ज्यादा नेकनामी तो नहीं आई है, लेकिन वो वजारत जो कि पहले मैंने और फिर अमीनुल्लाह ने चलाई, उसने 60% एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जब नीचे जा रही थी, आईटी की एक्सपोर्ट इस 2-3 साल में तकरीबन 60% बढ़ी है, बुनियादी काम हो चुके थे। वो तो हमारी वजारत भी ज्यादातर चलाई है आजम खान साहब ने, मुदाखलत बहुत इंटरफेरेंस, उसके बावजूद
कई काम तो ऐसे थे हमारे बहुत अर्ली दौर में हो जाते, कराची समेत पूरे पाकिस्तान के 10 लाख नौजवानों को इस काबिल कर दिया जाता कि दुनिया भर में की जरूरत पूरी करते पाकिस्तान से अलग हटके। आजम खान साहब हर्डल से ब्यूरोक्रेट, चले मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने अपने मर्जी की ब्यूरोक्रेट सर पे सिर्फ इसलिए रखे कि हमें नाकाम किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर्स जो है वो आपके अल्लाह का। ये हुकूमत ने आपको डॉक्टर साहब पेशकश की, क्योंकि कहा जी हमने एक और वजारत की पेशकश, और ऐसा लगता है कि शायद पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री कोई एमकेएम के लिए कोई बड़ी कोई लुक्रेटिव सी चीज है कि जी इस तरह की पेशकश चाहिए। वजीर आजम साहब भी चाहते हैं, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ वजीर आजम साहब की, कि वो भी जानते हैं कि मुझे कहा गया कि आप दूसरी वजारत आप ले लें, तो मैंने शुक्रिया के साथ ये कहा था कि हम पहली ही वजारत का बोझ नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर आप अपने पे मेहरबानी ये करें कि हमें इजाज़त दें कि हम अपनी ये जो एक वजारत है इसको भी वापस ले लें। अब आप कहेंगे आपको ज़रूरत क्या पड़ रही थी दरख्वास्त करने की, छोड़ देते, जब जब मैंने छोड़ी है तो छापे पड़ने शुरू हो गए, हम तमाम एमकेएम की टॉप लीडरशिप के करीब करीब लोग गिरफ्तार कर लिए गए, हैरान कौन है ना। तो यही पाकिस्तानी सियासत में हमारे मुख्तलिफ होने का एक बहुत बड़ा ऐलान है कि हमें तो वजारत छोड़ने के लिए हम पर दबाव, ना छोड़ने का दबाव होता है, हमने तो कभी दबाव नहीं डाला वजारत के लिए, नहीं डालेंगे। इस बार हुकूमत ने ऑफर्स किए दोबारा जब आपके पास आते रहे फिर पेशकश ले आए हैं, हमारे तो इतने अरसे काम किया है, हमारी हम सब की रिस्पेक्ट है, परवेज खटक साहब भी और गवर्नर सिंह भी और ये लोग आते रहे हैं। तो दो बातें हुई, एक तो हमने कहा कि देखें हम अपने शौक सियासत में हम जमहूरियत के चैम्पियन बनने के चक्कर में अपनी कौम को वहाँ लेके नहीं जाएंगे जहाँ से उनको नुकसान हो, हम किसी ऐसी कश्ती में नहीं बैठेंगे जिसको डूबना जिसका मुकद्दर बन गया हो, आपको अपने लोग नहीं संभाले जा रहे तो आप हमें कैसे संभालेंगे, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि आपने बहुत देर कर दी इन सारे मामलों में हमारे हमारा तआवुन लेने में ना, हम तो किसी ने मुझसे कल पूछा व्हाट अबाउट योर हेल्थ, मैंने कहा हेल्थ इज़ गुड हार्ट इज़ नॉट, तो दिल नहीं कर रहा था लेकिन इसके अलावा कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा था, सारे इंडिकेटर्स भी ये बता रहे थे। फिर मैंने तो एक तजवीज़ दी थी जिसपे शायद थोड़ी नाराज़गी भी हुई है, जब मुझे किसी एक टीवी प्रोग्राम में दिखाया गया कि देखिए 20-30 पीटीआई के लोग हैं जो सिंध हाउस में हैं, तो आपको क्या लगता है मंजरनामा, तो मैंने कहा ऑब्वियसली अगर इनके लोग चले गए तो मुझे तो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत बचती हुई नज़र नहीं आती। मैंने ज़ोर दे के वज़ीर आज़म इमरान खान कहा तो उन्होंने कहा कि पीटीआई की बचती हुई नज़र आती है, मैंने कहा बच सकती है अगर वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दे दें, तो किसी ने कहा आपने माइनस वन का फार्मूला दिया माइनस इमरान का फार्मूला, मैंने कहा नहीं मैंने प्लस इमरान का फार्मूला दिया है, जब अपने वजीर उनका नॉमिनी एक वजीर आजम होगा और उसके ऊपर वो उनका लीडर और कायद होंगे तो उनका कद बढ़ना है कम नहीं होना है। बहरहाल लेकिन आप अब भी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब वक्त पे फैसला करते खुद अलहदा हो जाते किसी और को नॉमिनेट करते तो उनकी हुकूमत बच जाती। पहले तो कोशिश करनी चाहिए थी कि जिस वादे और इरादे के साथ आए थे तो कामयाब करते ना अपने आप, उसमें कुछ नहीं करना था, संजीदगी लाने की जरूरत थी, सही डायरेक्शन तय करनी थी। जनाब जरूर चोरों को सजा देनी चाहिए लेकिन चोरी भी रोकनी चाहिए, बहुत जरूरी है ना, आप चोरी रोके बगैर चोरों के पीछे पड़े रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो मुझे कहने दीजिए, मुझे बड़ी मायूसी हुई, मैं एक जमाने में खड़ा होकर कहता था आह्वान में कि एक ऐसा आह्वान है कि जब शकर का बहरान आता है तो इधर वाले भी और इधर वाले भी अपोजिशन वाले भी हुकूमत वाले भी दोनों शेर व शकर नजर आते हैं मुझे और आवाम पिस रही होती है। कुछ इससे बेहतर की पाकिस्तान को ज़रूरत है, सियासत से ज़्यादा ऐसी सियासत जिसको इबादत का दर्जा हासिल हो, ऐसा करने की कोई तो कोशिश करे। मैंने कहा था एक बहुत बड़े अहम आदमी को कि आप चाहते हैं अगर पाकिस्तान बेहतर हो तो गुज़श्ता 35 साल में ये देख लीजिए कि कौन से लोग जो सियासत में आए हैं और अपने दर्जे से नीचे आए हैं। अगर अपर क्लास के थे तो लोअर अपर मिडिल क्लास के हो गए, अपर मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास के हो गए। अगर आपको ना मिले पाकिस्तान को तो 10-15 तो हमारे पास अभी बचे हैं इस खराब एमकेएम से भी मिल जाएंगे। आज इमरान खान साहब आपसे बात करना चाह रहे थे, राब्ता किया कि आज आप मैं जरूर जाता अगर मैंने 2 बजे राब्ता कमेटी का इजलास ना बुलाया होता, उसके ख़त्म होते होते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम शुरू हो गया था। अगर रात का वक्त होगा मिलना चाहेंगे, हम उनसे अच्छे ताल्लुक रखना चाहते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और उनकी तंजीम के अंदर जो खूबियाँ हैं उसको चाहते हैं वो बड़े बड़े और पाकिस्तान में
वो अपने एक नई तर्ज सियासत के साथ जिंदा रहे। वो कह रहे हैं कि जी मेरी हुकूमत के खत्म करना का जो मामला है ये एक आलमी साजिश है, अगर उनकी बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तो फिर आप उस आलमी साजिश का हिस्सा बन गए क्योंकि आप भी अब दूसरी तरफ चले गए। देखिए इसी तरह की बात खान साहब के लिए उनके मुखालफिन करते रहे हैं कि तो पाकिस्तान, मुझे बड़े दुख के साथ कहने दीजिए, हमें तो किसी और बाहर से किसी की साजिश की जरूरत ही नहीं है, हम खुद काफ़ी हैं अपने लिए साजिश करने के लिए। पूरी ये देखिए कभी मुल्क तरक्की नहीं करता, पूरा खत्ता तरक्की करता है। आज आपका खत्ता तरक्की कर रहा है, हम पहले मैं कहता था आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नाम का एक जजीरा है जो अपनी जगह पर रुका हुआ है, अब अफगानिस्तान भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा आपको। मुझे लगता है 8-10 साल बाद रिवांडा और इथोपिया हमसे कहीं आगे होंगे, कम से कम रेंग रहे हैं तो सही डायरेक्शन में तो चल रहे हैं। आप तो दौड़ रहे हैं लेकिन कोल्हू की बैल की तरह गोल गोल घूम रहे हैं, बार बार उसी जगह पे। आज पाकिस्तान दोबारा भी वहीं आके खड़ा हो गया है, आज फिर हमने 4 साल के बाद एक वजीर आजम को फारिग कर दिया है। ये जो खत है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, साजिश ही आप अलाई थे आज के दिन तक, आपके इल्म में नहीं, कोई आपसे शेयर नहीं किया किसी को? मेरे ख्याल शेयर करने के लिए भी किसी ने बुलाया है तो हम जा रहे हैं। तो आपको इमरान खान साहब से, डॉक्टर साहब, बुनियादी गलती क्या हुई अगर आप एनालिसिस करें उनका, कि इमरान खान साहब ने क्या गलत किया कि जिसकी वजह से? मेरे ख्याल है होमवर्क के बगैर आए तो इकदार जी, तो उनका भी गलती है, जो लाए उनकी भी गलती है कि देख लेते होमवर्क पूरा है, डायरेक्शन कोई भी नज़र नहीं आई मुझे एज सच। उनके पास बड़े काबिल लोग थे लेकिन तंजीम तय करती, उनकी पार्टी तय करती, हुकूमत तय करती कि जाना किस तरफ है। तो फिर जो मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि हुकूमत एक बहुत अहम है पाकिस्तानियों की, अकवाम की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क डालती है, उसमें जिस दर्जे की सीरियसनेस चाहिए थी ना संजीद की, वो बहुत बुरी तरह लैक करती थी। टीम का भी मामला था, जबान का भी मामला था। टीम तय करना तो लीडरशिप का काम होता है ना, अगर टीम का मामला था तो टीम तो मुस्तकिल तब्दील होती रही है, ठीक बात, बार बार हर बार तब्दील होती रही। आपने अपने MNA से ज़्यादा आपने इस चॉइसिस को अपने बाहर की तरफ कर दिया, तो चलो आप नहीं सही लोग खड़े कर सके होंगे तो आपने ऐसे लोगों को ले लिया जब टेक्नोक्रेट्स थे, उनसे भी कोई नहीं निकलाना, तो डायरेक्शन तय किए बगैर तो कोई फैसला नहीं हो सकता। फिर जो लोग जा रहे हैं वो अपने पीछे एक दास्तानें छोड़ के जा रहे हैं, और वो करप्शन की दास्तानें, बहुत तरह की दास्तानें, उसकी भी कोई तहकीक कर लेनी चाहिए थी खान साहब को, और उसकी जिम्मेदारी कबूल भी कर लेनी चाहिए थी। अब जो है जो 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 जबान उन्होंने इस्तेमाल की सियासी जलसों में कौमी क़यादत के खिलाफ, क्योंकि MQM तो जबान और बयान के हवाले से और एक पूरा एक कल्चर, उसके ऊपर कभी आपने इनके लोगों को समझाया या बात की कि क्या आप किस तरह की बात? बहुत बात की है लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस फ्रेम ऑफ माइंड में ये लोग रहे हैं उसमें उनके एक अहम आदमी ने कहा कि हमारे जो लोग बिल्डोजर में बैठे होते हैं उनसे वेवलेंथ मिलती है हमारी लीडरशिप की, और जो समझा रहा होता है ज़मीन पर होता है उसकी कोई सुनवाई नहीं। इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने की PTI बनाई है, लेकिन मैं समझता हूँ PTI का जिंदा रहना भी, काम करना भी, मुख्तलिफ जमात थी, ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है 13 में अगर वजीर इमरान खान साहब अपने मिडिल क्लास के और अपने जेन्युइन वर्कर्स के साथ इलेक्शन लड़ते और हार जाते तो 18 के इलेक्शन में अगर जीतते तो उनके अपने लोग उनके साथ होते। ये जो फ्यूडल क्लास और ये जो इलेक्टेबल खुद बहुत बड़ी गाली है किसी भी जमहूरियत के लिए कि मुझे पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत नहीं है, वो एक भेड़ चाल है और एक जो जहाँ मैं बोलूँगा जैसे बोलूँगा वो वैसे करेगी। एक वक्फा ले, इसीलिए तो जहालत और जबर को पाकिस्तान में ख़त्म नहीं किया जाने देता, वो जागीरदाराना जमहूरियत की बहुत बड़ी फसील हिफाजत की। एक वक्फे के बाद कि ये जो पीपल्स पार्टी के साथ आपका एक बाजी है और अब फ्यूचर से जो उम्मीदें हैं ये, और एक कराची का आम शहरी उसको क्या कहेंगे कि MQM ने उनको क्या लेके दिया इन मुआहिदों के नतीजे में, इसका मैं जवाब चाहूँगा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा एक तल्ख माजी रहा है, दोनों तरफ से बहुत उसमें गर्मा गर्मी भी रही है, अब बिलावल साहब कहते हैं हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको अब क्योंकि आप बराह रास्त मिले हैं उनकी क़यादत से और मुतअद्दिद आपकी बात नहीं, तो क्या तब्दीली नज़र आई है और क्या उम्मीद है आपको? देखिए, सच से आँखें चुराने और हकीकत से दामन चुराने से कोई बेहतरी की गुंजाइश तो नहीं है ना, तो मैं सच्ची बात ही करूँगा कि जो दो जमातें जिनके साथ आज जिस इत्तेहाद में बुनियादी बड़ी जमातें हैं उनके साथ एक पूरा तल्ख माजी है, एक बहुत बड़ा तजर्बा है और तल्ख यादें वाबस्ता हैं, हम में से अक्सर की ज़िंदगियाँ तब्दील हो गई हैं,
मैंने तो अपनी आधी उम्र ही रूपोशी और जिलावतनी में काट दी है। आम लोग भी मुतासर हुए हैं, लेकिन हम भी उन्हीं मुतासरीन का में से हिस्सा हैं। तो जैसे कि इस 14 साल में तो हद हो गई थी, इस 14 साल में इस सिंध के शहरी इलाकों के शायद किसी एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिली है। वो 40% कोटा जो कि सिंध के शहरी इलाकों का है, उस पर 3,40,000 डोमिसाइल के जरिए नौकरियां छीन ली गई हैं। तो ऐसे मुश्किल हालात थे कि उनके साथ तो खड़ा होकर तस्वीर खिंचवाना भी जुर्म था कराची में। तो लीडरशिप को इन सारे खौफ से निकल के अपनी इज्जत से ज्यादा कौम की इज्जत और उसकी भलाई पे, लीडरशिप वो नहीं है कि जो कौम की मर्जी से चले, कौम की मर्जी चलती है इलेक्शन में, जो वो कौम के लिए बेहतर समझता है, चाहे पॉपुलर नारा हो या ना हो, पॉपुलर बात हो या ना हो, वो करता है। तो हम ये समझते थे कि अगर पीपुल्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ये हुकूमत सिंध के शहरी इलाकों के मुतालबात, उनके साथ होने वाली नाइंसाफियां और उन्होंने खुद जो ज्यादतियां की हैं उसको सुनना चाहती है, तो हम सुनवाने और मनवाने गए थे, उसी लिए तस्वीरें भी खिंच गई और एक वर्किंग रिलेशन कायम हुआ है। मैं कल भी कहा, ना कोई इत्तेहाद हुआ है, ना कोई मुआहदा हुआ है, एक इरादा हुआ है कि जिसके जरिए वो हमारे मसाइल को, हमारी शनाख्त को, हमारी ज़रूरत को और हमारे रेवेन्यू को, हमारे हक को तस्लीम करें और इस तरह तस्लीम करें कि उसकी जिम्मेदारी हमारे पास हो कि उसको हम अपने वसाइल को कैसे खर्च करें, जहाँ पर हमारा मैंडेट है वो इख्तियार हमारे पास हो, हमें किसी से मांगना ना पड़े। तो हम एक ऐसे ही निज़ाम इंसाफ की जानिब बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पीपुल्स पार्टी के पास भी इस वक्त पाकिस्तान को कोई एक जमात बचा नहीं सकती है, पाकिस्तान को कोई एक सूबा चला नहीं सकता है। सबके साथ मिलकर नहीं चलाएंगे तो सब इकट्ठा नहीं रह पाएंगे, ताकत से पाकिस्तान को जोड़ा नहीं जा सकता है। पाकिस्तान सिर्फ इंसाफ की शक्ल में कायम रह सकता है और वो इंसाफ पूरे पाकिस्तानियों के लिए, तमाम पाकिस्तान के लोगों को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा गया तो बात चल नहीं पाएगी। वर्किंग रिलेशनशिप से अब आपको उम्मीद है जो एटीट्यूड पीपल्स पार्टी ने दिखाया? देखें, हमने तो दे दिया है, अब धोखा खाने का हमारे पास इसलिए नहीं है कोई चांस कि हमने कोई उम्मीद ही नहीं रखी है। धोखा देने वाले की का नसीब अगर खराब होता है तो वो किसी को धोखा देता है। दे, वही सड़कें हैं, वही ऐवान हैं, वही अदालतें हैं, हम ज्यादा अरसे रुकेंगे थोड़ी। हमें तो फौरी तौर पर इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अब ये इंसाफ अदालतों से लेकर हुक्मरानों ने, सिंध के हुक्मरानों ने अपने पास लिया है, हम दुआ के जद में रखते हैं उनको, उसमें उनका नुकसान नहीं उनका भी फायदा है। तो सब एक आम आदमी चले जो लियाकताबाद का, औरंगी टाउन का, कोरंगी का, वो कहते हैं जी आपने ये डॉक्यूमेंट किए, वो खालिद मकबूल साहब ये बताएं कि हमें आपके इस मुआहदे से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आप, हमने ये कहा है कि जनाब अब जाली जो थी ना 3,00,000 नौकरियां, उसका फैसला करवाएंगे। जाली थी, हम मनसूख कराने को भी नहीं कह रहे, फिर आने वाले वक्तों में अकोमोडेट किया जाए तो ये नौकरियां मिलनी है, ठीक, अगर मानते हैं। ठीक, हमने कहा है कि जो पहला मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि पाकिस्तान को कैसा 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, वो आ जाएगा तो आपको वो सहूलतें मिलेंगी। एक ऐसा आपका मेयर और ऐसे टाउन इंचार्जेस, आपके पास टाउन के चेयरमैन आ जाएंगे जिनके पास इख्तियार होगा, तो उससे पानी, बिजली, कचरे का, सिविक सोसाइटी का, ये फिर हमने यूनिवर्सिटीज मांगी हैं, तालीम का इख्तियार मांगा है कि आप 3rd tier को दें। हमने एक बहुत अहम चीज़ मनवाई है, वो ये कि 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट, उसको आइनी तहफ़ दिया जाए, जिस तरह मुद्दत पूरी करती है कौमी और सूबाई हुकूमतें, और जब मुद्दत पूरी कर लेती हैं तो एक अबूरी वज़ीर आज़म और एक अबूरी वज़ीर आला आता है, इसी तरह ये मुद्दत पूरी करेंगी 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट बल्दियात, जब वो मुद्दत पूरी कर लेंगी तो एक 3 महीने के लिए बोरी मेयर आएगा, वो भी उसी फार्मूले के तहत आएगा। फिर तीसरा ये कि जिस नेशनल फाइनेंस कमीशन को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के साथ मशरूत कर दिया जाए, एक ही वक्त में, एक ही फार्मूले में, जिस तरह वफाक से सूबों को मिलता है, इसी तरह सूबों से डिस्ट्रिक्ट को मिले, लेकिन डिप्टी कमिश्नर्स को ना मिले, वहां के मुंतखब लोगों के 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट के हवाले हो।
ये खालिद साहब की इतनी तवील मुजाकरात क्यों हुए? हर रोज लोग समझते थे एमके मार्च फैसला, अगर दो वजारतें चाहिए होती, एक एक गवर्नर चाहिए होता, वजारत आला के लिए भी थोड़ी दौड़ धूप करते, एक किसी ने कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मांग लीजिए, दो दिन में दे देते सब लोग। हमने तो अपने लोगों का हक मांगा है, शनाख्त को तस्लीम करवाया है, उनके साथ होने वाली इन डॉक्यूमेंट्स में सिंध के शहरी इलाकों के साथ होने वाली ज्यादतियों पर अंगूठा लगाया है, सबने दस्तखत किए है, हमने मनवा दिया है, इतना भी काफी है हमारे लिए। कल अदालतों के जरिए फिर अपना हक भी ले लेंगे, वरना सड़कें आबाद हैं, एमकेएम ताकत है। बस मैं बाकी लोगों से कहता हूँ जिन्होंने गैर एलानिया एमकेएम पे पाबंदी लगा दी है, आप सिर्फ न्यूट्रल भी हो जाएं तो फिर एमकेएम अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए सड़कों पे, रोडों पे, तालीमी इदारों में अपना किरदार अदा करेगी। ये मिडिल क्लास की लीडरशिप के अलावा पाकिस्तान के मसले का हल कोई नहीं है और ना हो सकता है। पाकिस्तान में मिडिल क्लास के लोगों को आना दें, हम नहीं चाहते लोग एमकेएम में आए, हम चाहते हैं कि पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से नौजवान निकलें, हमारे तजर्बे से फायदा उठाएं, हम उनके साथ शराकत और शमूलियत चाहते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है वो एमकेएम के बयानिए की, एमकेएम की चीजों की इंडोर्समेंट है कि जो हम जो कहती थी 100%, अगर गलत कह रहे थे तो ना साइन करता कोई भी और ना करना चाहिए था। कल ये ना कह दें कि भाई हम कितना देंगे, हम आपसे एक एक फीसद भी अपने हक से ज्यादा करनी चाहिए। अभी तो हम वो 50 साल का हिसाब नहीं ले रहे हैं, 50 साल में हमने वजीर आजम इमरान खान से कहा था कि अदालती कमीशन बनाइए कि सिंध के शहरी इलाकों के लिए अलग कोटा है, पंजाब के शहरी इलाकों के लिए नहीं है, दही इलाकों के लिए कहेंगे नहीं। आप जो 40% कोटा था, क्या उससे 14% भी कोटा मिल सका है या नहीं मिल सका है? अगर नहीं तो अगले 50 साल का तय करें, उसको कंपनसेट करें। उन्होंने बनाया नहीं अदालती कमीशन, तो ये तो फिर इस लिहाज से कि आपने अपने तमाम चीज़ों को एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेके मुल्क की जो लीडरशिप है उससे इंडोर्स करा लिया, तो अब इस पर अमल हो या ना हो तो आप इस हिसाब से तो आप कामयाब हो गए। जी ये कामयाबी, और हमें 22 अगस्त के बाद थोड़ा अलग करके भी देखिए ना। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए कि 22 अगस्त से पहले वाली एमकेएम में कोई जराइम किए, उससे कुछ गलतियाँ हुई होंगी, कुछ नाकामियाँ उसके भी हिस्से में आई हैं, शायद हमारे भी आए, लेकिन आप उसको बहाना बना के आज इस एमकेएम को रास्ता रोकने का मकसद है, आपके जहन में कुछ और है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। लास्ट सेगमेंट में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से पूछेंगे कि वो अपने कारकुनों से क्या कहना चाहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है और मेरे साथ मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, आप बात करते रहे 4 साल तक, उससे पहले भी, कि जनाब हमारे ऑफिसेज, हमारे लापता कारकुनान, हमें कम से कम सियासी आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने दें। इन वादों के बाद तवक्को, उम्मीद क्या है कि क्या तब्दीली आ जाएगी? उम्मीद तो है, यकीन नहीं आता लेकिन देखें दुआओं पर रखा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इदराक तो हुआ है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मुझे डर ये लगता है कि हमने एमकेएम से पहले वाला जो दौर था ना, उसमें कराची का मैंडेट तकसीम होता था। ठीक, तो कराची के वसाइल को तकसीम करने के लिए कुछ लोग चाहते हैं कि कराची का मैंडेट तकसीम हो, तो लूटामारी आसान होगी, वो उनको मैनेज करना भी आसान होता था। हमारे आने के बाद कराची का मैंडेट एक तरफ आ गया, एक जाली तरीके से 18 में लिया गया है, वो एक्सपोज हो गया बुरी तरह से, और मैं समझता हूँ कि अब बस कर देना चाहिए। जेन्युइन लीडरशिप को ज़मीनों से, गांवों से, गलियों से उभरने दीजिए, कंट्रोल डेमोक्रेसी ना लाइए, ये फार्मूले 70 साल में नाकाम हो चुके हैं। जागीर जाना जमहूरियत को अब दफन करने का टाइम आ गया है। ये जो कंट्रोल डेमोक्रेसी की बात की और आपने फिर जिस तरह वजारतों वाली बात की, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रही कि जी एमकेएम इंतज़ार कर रही है किसी इंतज़ार, किसी फ़ोन कॉल का, किसी इशारे का। कम वक्त कोई फ़ोन कॉल ही नहीं आई तो खुद ही फैसला करना पड़ेगा। इंतज़ार किया आपने काफ़ी देर? नहीं, हमें जल्दी भी नहीं थी ना। ठीक, तारिक भाई कोई वजारत उज़्मा लेनी थी, आला लेनी थी, गवर्नरशिप लेनी थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई मुतालबा रखना था? नहीं रखना था ना। मौका मिले तो असेंबली में भी ना जाएँ, अगर कोई हक देने का लिख के दे देना तो हम बाहर बैठ जाएंगे।
तो इस बार जिन्हें कॉल्स का इंतज़ार था उन्हें मतलूबा सहूलत मैसर नहीं थी। पहले तो हमें हमारी हेल्प ही होती थी कि हमें बताया जाता था कि ये वाला बिल बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, तो मेहरबानी फरमाइए। लेकिन पीटीआई को भी सियासी तजर्बा नहीं होने दिया गया, उसने करने की भी कोशिश नहीं की। वरना सियासत तो इंसान की नफ्सियात को समझने का एक हुनर है, सियासत और क़यादत वो सलाहियत है जो बसीरत को हकीकत में तब्दील कर देती है। तो दुआ कीजिए पाकिस्तान में ये तो इसका नुकसान हुआ पीटीआई को, क्योंकि सब चीज़ जब मैनेज करके दी जाती रही तो तजर्बा नहीं हो सका ना। तो मैनेज कोई करके ज़बरदस्ती तो नहीं दे रहा होगा ना, आप में कुछ कमी देख रहा होगा ना, आप करवा रहे होंगे ना, तो आपकी हेल्प की आप उनका शुक्रिया अदा करें अगर कोई कर रहा था। तो काफ लीग कहती रही कि जी हम और एमक्यूएम साथ फैसला करेंगे, फिर वो अलग से अचानक से चले गए। ठीक है, उनका हक है, देखें उनकी क्राइटेरियाज बिल्कुल मुख्तलिफ थे हमसे, हम उसको गलत नहीं कहते हैं। लेकिन हम तो अपने घरों से निकलते हैं, जिन घरों से हम निकलते हैं, जिन मोहल्लों में हम रहते हैं, उन्हीं मोहल्लों में रहते हैं जो हमारे वोटर्स हैं, उन्हीं के दरमियान रहते हैं, उन्हीं तरह की ज़िंदगी है, वही मजबूरियाँ हैं, वही महंगाई हमें अफेक्ट करती है। तो अब ये नई हुकूमत के बाद डॉक्टर साहब आपकी ख्वाहिश है कि अब जल्द इंतखाबात हों एमक्यूएम के जो पुराना मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की इत्तेहादों के ज़रिए कोई हुकूमत चलाना मुनासिब नहीं है। ठीक, हमें इंतखाबात भी अलग अलग लड़ने चाहिए। वो जो मिल के इलेक्शन लड़ते हैं उसमें आप अपने वोटर को मजबूर कर देते हैं कि जिसको ना देना चाहे वो फिर आपकी वजह से देता है। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं ये भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे उतनी ही पोलराइजेशन बढ़नी है। ठीक, तो इसका मकसद ये तो नहीं है कि आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना कराएं, आप पोलराइजेशन को एड्रेस करें क्यों है और वो बहुत ज़रूरी है। ये बात हुई आपकी कि कितने अरसे की ये हुकूमत होगी और कब फिर इंतखाब? देखिए, कुछ लोग चाहते होंगे कि लंबा अरसे रहे, शायद पाकिस्तान मुस्लिम काफ का भी ये मुतालबा रहा हो, तो वो ऑन बोर्ड नहीं है। लेकिन तो एमक्यूएम क्या चाहती है? एमक्यूएम तो नहीं चाहेगी कि 14 सीटें जो हमारी हैं हमें वापस मिल जाए। तो आप चाहते हैं कि मुल्क में जो है वो फौरी इलेक्शन का ही तकाजा करता है और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रही है वो कर ले, उसके लिए एक मुद्दत तय कर लेते हैं और वो 2 माह हो या 3 माह हो किसी टाइम के लिए। खालिद मकबूल साहब, आखिरी बात मुझे ये बता दें कि आज मतलब ये बहुत ही तारीख का एक अहम तरीन दिन है, क्योंकि बहरहाल ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। एक बात तो ये कि अब चूँकि नंबर गेम बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो इमरान खान साहब को अब अखलाकी तौर पर ख़ुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। देखिए, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा उनका है कि उनको लगा है तो हट गए, वरना वो क्यों वोट आउट होना चाहते हैं ना। तो अच्छी बात है, अगर ये पहले फैसला कर लेते तो ये चीज़ें रुक भी सकती हैं, बहुत सारी जगहों पे दूसरा मैसेज जा सकता है, हो सकता है पीटीआई की हुकूमत कंटिन्यू करने का कोई बहाना मिल जाए। इमरान खान साहब अगर आपसे मशवरा मांगे तो आप उनको यही मशवरा देंगे? मैं आपके जरिए दे रहा हूँ कि उनको रिज़ाइन कर देंगे। अपने कारकुनों के लिए मैसेज क्या है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब? कारकुनों के लिए मैसेज ये है कि अगर मैं अंदर की बातें मैं कर देता हूँ, मुझे लगता है कभी कभी कि मैं यहाँ हमारे रऊफ सिद्दीकी भाई बैठे हुए यहाँ पे, मैं कई साल से कह रहा हूँ कि मुझे ये खौफ है कि कहीं अच्छा वक्त ना आ जाए, क्योंकि अच्छे वक्तों ने एमक्यूएम को बड़ा बर्बाद किया है। एमक्यूएम अभी अच्छे वक्त के लिए, एमक्यूएम ने बुरा वक्त भी तो बहुत झेला है, कितना और बुरा वक्त झेलेंगे? नहीं, बुरा वक्त नहीं, तो अच्छे वक्त के लिए हमें अपने आप को संभालना है। ठीक, ज्यादती हमने नहीं की, हमारे साथ हुई है, लेकिन हमारे साथ जो ज्यादती हुई है उसकी बुनियाद पर हम किसी के साथ ज्यादती ना करें। एक नए अहद के साथ चलें, अपने लोगों को लेके चलें। हमारे दरमियान, एमक्यूएम के कारकुनों के दरमियान कोई मुकाबला नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मनों से मुकाबला करने निकले हैं, तो अपने हक को छोड़ के निकले हम सब, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हो सकता है कल आने वाले दिनों में ऐवान जो हैं मुझे भी ना देख पाए कि मुझे भी किसी के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। इख्तियार जब मिल रहा है तो फिर आप जिम्मेदार भी हो रहे हैं डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ों का, तो वो जिम्मेदारी फिर आपके कंधों पर बहुत पड़ जाएगी। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कोई तायुन करके बताया कि हमने गैर जिम्मेदारी का सबूत इन 3 सालों में दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।